सत श्री अकाल जी, जी आए नु मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रवा उपमा। इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है आइए देखते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें एक चम्मच घी डालेंगे, एक कप सूजी डाल के उसे 2 मिनट तक भुनेंगे और इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे लग जाएगा। सूजी को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो आपके उपमा का टेस्ट खराब लगेगा। हमारी सूजी 2 मिनट हो गए भुन गई है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। उपमा बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच राई, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल डाल के उसे हल्का ब्राउन होने तक भुनेंगे। अब इसमें 2 लाल मिर्च और करी पत्ता डाल के उसे भुनेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक भी इसमें डाल देंगे। एक मीडियम साइज का आलू, 1 गाजर, कद्दूकस किया हुआ इसमें डाल के इसे भुनेंगे। जब ये तेल छोड़ने लगे तब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल के भुनेंगे। जब हमारा टमाटर गलने लगे 1 चम्मच मैगी मसाला डाल दें। थोड़ी देर पक जाए, इसमें करीब 4 कप पानी डालेंगे। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो 1 चम्मच नमक डाल देंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इसे ढककर पकने देंगे। जब पानी उबलने लग जाए तब इसमें सूजी थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, जिससे कि लम्स ना आए। जब तक पानी सूख ना जाए तब तक चलाते रहेंगे। जब पानी पूरी तरह सूख जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी ऊपर से डाल देंगे। चटनी के लिए एक पैन लेंगे, पैन में 1 चम्मच सरसों तेल डालेंगे। जब वो थोड़ा गर्म हो जाए 5-6 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्चें, थोड़े से करी पत्ते और थोड़े से चने दाल डाल के उसे अच्छी तरह से भुनेंगे। उसे हल्के ब्राउन होने तक भुनना है। थोड़ा ब्राउन हो जाए उसके बाद उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको भीगने के लिए छोड़ देंगे। नारियल को बारीक बारीक काट के चने दाल के साथ ही पीस लेंगे। लीजिए, हमारी चटनी बनके तैयार है। अब इसे हम तड़का लगाते हैं। तड़का पैन में थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे, थोड़ी सी राई, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च डाल के उसे
हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बहुत जल्दी तड़का तैयार हो जाता है। वो जैसे स्प्लिट करने लगे उसे गैस से हटा लें और चटनी में मिला लें। अब इसमें नमक डाल लें, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लें, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो वैसा नमक डाल के चेक कर लें। हमारी चटनी भी रेडी है और हमारा उपमा भी रेडी है सर्व करने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जी आयनू।